मेवात जिले में डिप्थीरिया ने ली 4 बच्चों की जान, दर्जन भर संभावित मरीज। बता दें, डिप्थीरिया यानी गलघोटू मेवात जिले में तेजी से अपना पैर पसार रहा है। महज एक माह के अंदर डिप्थीरिया के दर्जन भर संदिग्ध के सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। डिप्थीरिया के केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कोरोना एवं मलेरिया के सीजन के बीच डिप्थीरिया ने भी अपना असर दिखाना मेवात जिले में शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग अभी इन केसों की पूरी तरह पुष्टि नहीं कर पा रहा है, लेकिन संभावित केस जरूर मान रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 11 अगस्त को इस सीजन में डिप्थीरिया यानी गलघोटू का पहला केस सामने आया। सितंबर माह के आधे बीच जाने के साथ ही केसों की संख्या बढ़कर दर्जन भर से अधिक हो चुकी है। डिप्थीरिया के लिए नियुक्त किए गए जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर वसंत दुबे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि जिले में दर्जन भर संदिग्ध डिप्थीरिया के केस मिले हैं। जो केस मिले हैं उसमें अधिकतर 10 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे हैं। इनमें से 4 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक फैजाना पुत्री इस्माइल निवासी चैमत उम्र 6 साल, मोहम्मद जैत पुत्र इकबाल निवासी पाटुका उम्र 6 साल, आवेश पुत्र मुश्ताक निवासी गुलालता उम्र 7 साल, सहरिस पुत्र मुबीन निवासी सिकराबा उम्र 1 साल की डिप्थीरिया की वजह से जान जाने का समाचार मिला है। इसके अलावा साहिन पुत्र अरसद निवासी गुलालता उम्र 10 साल, आयरन खान पुत्र सलीमुद्दीन निवासी छारपुड़ी उम्र 3 साल, तौसिफ पुत्र तारीफ निवासी शिकारपुर उम्र 5 साल, आसमा निवासी छारोड़ा उम्र 9 साल, जैस्मिन पुत्र चुनैत निवासी डिडारा उम्र 4 साल, सलीम पुत्र रुस्तम निवासी बैसी उम्र 3 साल, अलीम पुत्र सलीम खान निवासी नौशेरा उम्र 1 वर्ष, सुफियान पुत्र वसीम निवासी खानपुर खाटी को डिप्थीरिया का संदिग्ध मरीज माना जा रहा है। जिला नोडल अधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि सईद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नरहड़ में डिप्थीरिया यानी गलघोटू का इलाज किया जा रहा है। इन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अगर गले में खाने पीने में कोई दिक्कत हो या सांस लेने में परेशानी है, गले में सफ़ेद झिल्ली बन रही है, ऐसे सूरत में तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी जांच कराएं। अगर संभावित डिप्थीरिया नजर आता है तो नरहड़ मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज संभव है। कई संभावित मरीजों का इलाज नरहड़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कुल मिलाकर पिछले सीजन में डिप्थीरिया ने हरियाणा के नूह मेवात में करीब काफी कहर बरपाया था। डिप्थीरिया से तकरीबन 33 बच्चों की जान चली गई थी और 150 के करीब बच्चे इलाज करा रहे थे। आप देख रहे नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। डिप्थीरिया है जिसको गलघोंटू के नाम से भी हम जानते हैं, और नाम जैसा यथा नाम तथा गुण की गला घोंट दिया जैसे किसी ने, तो जिसको भी गलघोंटू की शिकायत होती है उसको एक तो सोर थ्रोट होगा, गले में खराश से महसूस होगी, दर्द होगा महसूस, बुखार होगा उसको, है ना, और बाद में धीरे धीरे उसको खाने पीने में भी दिक्कत शुरू हो जाती है। हम मुंह खोल के देखते हैं तो एक तो इन्फ्लेम्ड होगा मुंह और एक सफ़ेद झिल्ली सी अक्सर उनमें मिलती है प्रारंभिक स्तरों में। तो ऐसा जो भी केस हो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि उस केस को तुरंत नल्लड़ मेडिकल कॉलेज रेफर करें, जिसमें भी गलघोंटू की संभावना लगती है उनको नल्लड़ मेडिकल कॉलेज भेजें, क्योंकि ऐसे केसेस को तुरंत एंटी डिप्थीरिया सीरम जिसको हम ADS कहते हैं या एंटी डिप्थीरिया टॉक्सिन कहते हैं, ये हमारा नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है और 2400 घंटे कोई भी केस आप भेज सकते हैं। कई हमारे पास प्राइवेट अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं उनका बहुत सहयोग रहा है कि इस बार हमें बड़ी खुशी है कि मेवात में हम प्राइवेट डॉक्टर्स जो भी हमारे जानकार हैं वो सब रिपोर्ट करते हैं और हमारा रियल टाइम ट्रेसिंग हो रही है कि वहाँ पे बच्चा मिला केस वो मेडिकल कॉलेज का, और मेडिकल कॉलेज से इन्फॉर्मेशन आती है कि इसको एंटी डिप्थीरिया सीरम लग गया। तो ये बहुत शाबाशी की बात है कि मेवात में हम इसको इतना तो अचीव कर पाए इस साल, और इसमें एंटी डिप्थीरिया सीरम ये जो 24 आवर 24x7 उपलब्ध है नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में, तो कोई भी मरीज जो आपके पास आता है उसको देर नहीं करनी, क्योंकि हमारी थोड़ी सी देरी भी उसकी जान जो है उसको जोखिम में डाल सकती है, उसको तुरंत हम उपलब्ध कराते हैं, तुरंत वो जो दवाई है वो वहाँ पे मिल जाती है। तो आप दिन हो या रात कभी भी कोई ऐसा केस आता है और हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स भी उसको रेफर कर सकते हैं और मेरे से तुरंत संपर्क कर सकते हैं।
जो कि मैंने नंबर उनको प्रोवाइड किया हुआ है। तो ऐसे हमारे पास अब तक 13 केस रिपोर्ट हुए हैं, इनमें से कई केस हमारे नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में पहुंचे और उनको एंटी डिप्थीरिया सीरम मिला है, और इनमें से जो है 4 जो है सस्पेक्टेड डेथ है कि जो कि डिप्थीरिया की वजह से डेथ हो सकती है अब तक। ये अब तक की रिपोर्ट है आज सुबह तक।